क्वेश्चन नंबर 36 ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 डी इज एडमिटेड तो क्वेश्चन किसका है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3,20,000 डी पेज 80,000 एज प्रीमियम 80,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5 तो 2:3:5 क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनता है इसमें किनका ए बी सी 2:3:5 अगर डी 80,000 ला रहा है एज ए शेयर ऑफ गुडविल तो डी शेयर कितना रहा होगा अगर 3,20,000 पूरी गुडविल है तो 80,000 उसका कितना है 1/4 ये बात समझ आती है क्लियर है इतना ठीक है तो डी का शेयर क्या है 1/4 अगर डी का 1/4 है वो डी को कौन दे रहा है ए बी सी दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कैलकुलेट एक्चुअल सैक्रिफाइस क्यों क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है न्यू रेशियो निकालना आप न्यू रेशियो तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपके पास एक्चुअल सैक्रिफाइस ना हो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है एक्चुअल सैक्रिफाइस नहीं है ए कितना देगा 1/4 का 2/10 बी कितना देगा 1/4 का 3/10 सी कितना देगा 1/4 का 5/10 तो 2/40 3/40 और 5/40 ये क्या थी एक्चुअल सैक्रिफाइस अब आपके पास एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई आप क्या निकाल सकते हैं आराम से न्यू रेशियो क्या होता है न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो बट ये माइनस क्या हो रही है एक्चुअल सैक्रिफाइस एक एक करके निकालेंगे ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 तो 5/10 कितना दिया इसने 2/40 बी 3/10 माइनस 3/40 सी कितना 2 था ना 2/10 माइनस 5/40 44 4 5 20 माइनस 2 18/40 4 4 3 12 माइनस 3 9/40 44 4 2 8 माइनस 5 3/40 तो क्या हो गया ये 18:9:3 तीन पार्टनर्स हैं चौथा कौन था डी डी का शेयर क्या है 1/4 40 के टर्म में क्या हो जाएगा 10/40 18:9:3:10 कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 36 का बी 18:9:3:10 अच्छा क्वेश्चन था मुश्किल नहीं था क्वेश्चन नंबर 36